मुंबई पुलिस को सहानुभूति तो सभी सरकारों ने दिखाई, पर हालात क्या है यह तो सभी को पता है, क्योंकि वादे और इरादे तो सरकारी कागजात और पोस्टरों में ही रह जाती हैं। जरूरतमंदों के हिस्से का माल तो सरकारी बिचौलिए ही खा जाते हैं, फिर भी मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के लोग कैसे भी अपना जीवन यापन कर ही लेते हैं, पर इतना तो जरूर सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जैसा जीवन ना गुजारे, इसलिए स्कूल तक तो ले ही जाते हैं, किंतु महंगाई की मार के आगे बच्चों की जरूरतें भी बलि चढ़ जाती हैं। ऐसे में एक सामाजिक संस्था जिसका नाम है जन जागृति फाउंडेशन, जिसने इन जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाया है। गुजरात के अहमदाबाद रायमलपुरा में गुजरात के जनसंपर्क अधिकारी जयेश भाई साधु, गुजरात के अध्यक्ष विनोद भाई ठाकुर, गुजरात राज्य के महासचिव सुरेश भाई दरबार, स्थानीय युवा अध्यक्ष विशाल भाई पटेल और संस्था के कई पदाधिकारी उपस्थित होकर जरूरतमंदों को स्कूली बैग बुक वितरण करके सामाजिकता का परिचय दिया। फाउंडेशन हमेशा से लोगों की सेवाओं में अग्रसर रहा है। इस संस्था के कई ऐसे कार्य रहे हैं जो हमेशा चर्चा में रहे और सम्मानजनक रहे। फ्री मेडिकल कैंप, फ्री आंखों की जांच और तमाम तरह की सेवाएं जो हमेशा से प्रदान करती आ रही है। ऐसी सामाजिक संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा समर्थन मिलना चाहिए, ताकि लोगों के और बेहतर प्रयास करके ये काम। मुंबई पुलिस को सलाम।